धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बुरहानपुर जिले के धर्म गुरुओं ने पालन शुरू कर दिया है। सोमवार तक जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर 50 से अधिक ज्यादा मंदिरों और मस्जिदों गुरुद्वारों के गुंबदों से स्पीकर हटाए गए हैं। इन धर्म स्थलों पर अब केवल एक एक लाउड स्पीकर ही शेष बचे हैं। इन्हें भी सरकार और जिला प्रशासन के तय मानकों के अनुरूप ही नियंत्रित ध्वनि में बजाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शहर खकनार, निम्बोला, धूलकोट, शाहपुर क्षेत्र से लाउड स्पीकर हटाने के वीडियो भेजे गए हैं। कलेक्टर भव्या मित्तल और SP देवेंद्र पाटीदार ने शेष धर्म स्थलों के गुरुओं और समितियों से भी कहा है कि वे 5 दिन की समय सीमा में अतिरिक्त लाउड स्पीकर हटा लें। का जो आदेश आया और आप लोगों को उस बैठक में बुलाया गया है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा कहना ये, शासन ने जो आदेश पारित किया है वो योग्य किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्यों कि आज हमारे भारत में इतना प्रदूषण फैला हुआ है जिसका कोई हद नहीं, भयंकर प्रदूषण फैला हुआ है। उस तो आदेश पे मेरा यही कहना है कि सरकार जो निर्णय किया है बहुत बरोबर निर्णय किया है। ध्वनि प्रदूषण देखा जाए तो ज़्यादातर वृद्ध लोगों की उसकी समस्या ज़्यादा होती है। वृद्ध उसका विस्तार तो नहीं कर सकते अपने दुखों का, लेकिन जिसको जो दुख होता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मस्जिद और मंदिर और ट्रस्ट इसके अंदर निकाला है अपने ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण 3 मिनट 4 मिनट के लिए अजान दी जाती है, पब्लिक को खबर करने के लिए टाइम हो गया नमाज का, इससे ज़्यादा तो माइक का आवाज कोई भाषण नहीं दिया जाता। मंदिरों के अंदर आरती होती है, सुबह और शाम आरती होती है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो भी निर्देश के बाद में गृह मंत्रालय का जो आदेश था कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जो कानूनन जो पालन कराया जाना है, उन निर्देशों का हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनके निर्देशों के पालन में व्यवहारिक रूप से उसका पालन कराने के लिए जिला स्तर पर भी धर्म विशेष धार्मिक समुदाय के जो धर्मगुरु थे उन लोगों की बैठक और जन सामान्य के भी प्रमुख लोगों के साथ में जो बैठक आयोजित की, उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं।